तो आज के दिन की शुरुआत होती है अपने रैबिट्स के लिए सब्जी लेने आने के साथ। तो आखिरकार पहुंच ही गए। दानिश भाई का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, और देखिए कितनी ब्यूटीफुल नदी है। तो हम दानिश भाई की सब पर पहुंच गए हैं। और ये देखिए गाइस दानिश भाई का बकरो, इसके कान तो बहुत लंबे हैं। तो दानिश भाई सब्जी कर रहे हैं और हमने सब्जी ले भी ली, अब चलते हैं घर। हम घर पहुंच गए हैं दोस्तों और हमने अपने रैबिट्स को सब्जी डाल भी दी है। रैबिट्स के बच्चे तो घर के बाहर ही रहते हैं। और दोस्तों कल हमने जंगली हाउस के पास गांव रखे थे, लेकिन ये तो अब भी ऐसी की ऐसी रखे हैं, जंगली बर्ड तो आई नहीं है। सब पेट्स को खाना खिला दिया, अब जल्दी से दानिश भाई को ताऊ के घर से लेने चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों और ये घर हमारे चचा ताऊ के हैं। और देखिए गाइस दादी अम्मा सामने दिख गई, सर पे हाथ रखवा लेते हैं और थोड़ी देर अम्मा से बात कर लेते हैं। अब जल्दी से अनस भाई को ढूंढ लेते हैं, पता नहीं कहाँ है ये। मेरा भतीजा है दोस्तों और ये मुझे अनस भाई के पास लेके जा रहा है। अनस क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर, और क्या है तेरे पास? गाइस ये क्या है, ये क्या मिल गया अनस को? दोस्तों पता नहीं कौन सा पक्षी अनस भाई को मिला है, गूगल पर सर्च मार के इसको देखेंगे। और गाइस इसको चोट लग रही है, ये ठीक हो जाएगा तो फिर इसको आजाद कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है, मैं मिलता हूं आपको।